Hi guys, welcome back to my channel Learn and Grow Education Point. So today I've got a video of आजकल आपके हॉलीडे होमवर्क ब्रेक चल रहा होगा, ऑटम ब्रेक या कोई भी हॉलीडे होमवर्क, और अगर आपको ये टॉपिक मिला है इंग्लिश लैंग्वेज में, दिस इज फॉर क्लास 6, 7, 8, किसी के लिए भी हो सकता है, क्लास 5, 6, 7, 8, ठीक है. एंड अगर आपको ये टॉपिक मिला है नोटिस राइटिंग का, तो ये मैंने आज एक सैम्पल नोटिस राइटिंग का लिखा है यहाँ पे, ठीक है. सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है. ये चीज लिखी है क्वेश्चन 1. सो क्वेश्चन 1 मतलब ये आपका नोटिस राइटिंग का टॉपिक है. अगर यू आर प्रेम और प्रिया ऑफ औरबिंदो स्कूल देहरादून, ठीक है, आप प्रेम, लड़का है तो प्रेम बनेंगे, लड़की है तो प्रिया बनेंगे, ऑफ औरबिंदो स्कूल देहरादून, या आपने जो भी शहर है उसके हिसाब से अगर आपको ये टॉपिक मिलता है वैसे, ठीक है. यू फाउंड समबडीज लंच बॉक्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस ड्यूरिंग रिसेस. अगर आपने किसी का लंच बॉक्स मिला है स्कूल में आपके ब्रेक टाइम में, तब आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स, अप टू 50 वर्ड्स या अबाउट 50 वर्ड्स में, ठीक है. तो मैंने ये सैम्पल फॉर्मेट बनाया है, आप अपने स्कूल की कॉपी में या ऐसे लिख सकते हैं. सबसे पहले आप नोटिस बोर्ड लिखेंगे, नोटिस बोर्ड जिस भी स्कूल का नाम उस टॉपिक में लिखा था वो, ठीक है. ये आपका टॉपिक है लॉस्ट लंच बॉक्स फाउंड ड्यूरिंग रिसेस, क्योंकि आपने ये यही टॉपिक है मेन. तो आप जब हम नोटिस बोर्ड लिखते हैं तो हमारे को ये सब्जेक्ट बताना पड़ता है किस बारे में नोटिस लिखा है, वो ये है कि लॉस्ट लंच बॉक्स फाउंड कब मिला था, ड्यूरिंग रिसेस, डेट जिस दिन की आपने नोटिस करना है, ठीक है. इस पे मैं डेट यहाँ पे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग, या ऑफ कोर्स नोटिस है तो सुबह सुबह ही बच्चों को दे देंगे गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि आप प्रिया या प्रेम है, आप खुद ही स्टूडेंट है, इसलिए आप गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है. अ लंच बॉक्स हैज बीन फाउंड इन द स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल में लंच बॉक्स मिला है, आप बताएंगे पूरा जो आपको बोला गया था वैसे. इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग रिसेस एंड द बॉक्स इज ब्लू इन कलर विद व्हाइट कवर विद डोरेमोन कार्टून पिक्चर्स. अब इसमें मैंने अपनी तरह से लंच बॉक्स, जैसे मेरा लंच बॉक्स है या आपका लंच बॉक्स होगा, मैंने अपनी तरह से लिखा है कि एक लंच बॉक्स मुझे रिसेस में मिला था जो ब्लू इन कलर है विद व्हाइट कवर एंड जिसमें डोरेमोन कार्टून पिक्चर्स है. आप इसमें कुछ भी अपना चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे लंच बॉक्स मिला था जो कोई भी और कलर का हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ब्लैक, है ना, और कवर भी उसका उस हिसाब से लिख सकते हैं, और उसमें कोई भी कार्टून आप बोल सकते हैं, कार्टून नहीं भी है, प्लेन है ना. तो आप अपने हिसाब से अपने लंच बॉक्स का इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके बाद मैं क्योंकि ये पेज खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेकेंड लाइन में आ रहा है, आप अपना पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखेंगे एंड ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें आप लिख सकते हैं इफ एनीवन्स लंच बॉक्स हैज बीन मिसिंग एंड इट फिट्स द अबव डिस्क्रिप्शन, ठीक है. अगर किसी का लंच बॉक्स, क्योंकि ये नोटिस है तो आप उसको बताएंगे कि अगर आपका ये लंच बॉक्स मिसिंग है और अगर ये ऊपर डिस्क्रिप्शन सही है, तो आप स्टाफ रूम में या जो भी आप कहना चाहें, जहां भी आपको आपके स्कूल में लॉस्ट चीजें या लॉस्ट एंड फाउंड चीजें रखी जाती हैं, आप वहां बता सकते हैं कि वहां उन टीचर से ले लें या उन पियोन से ले लें या उधर जाके उस रूम में ले लें, ठीक है. मैंने लिखा है स्टाफ रूम में, आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, थैंक यू. और क्योंकि आपका नाम यहाँ पे, आपका खुद का नाम नहीं आएगा, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बोला गया था क्वेश्चन में कि यू आर प्रेम एंड प्रिया ऑफ औरबिंदो स्कूल, तो इसलिए नाम यहाँ पे आपका नहीं आएगा. अगर आपका बोला नहीं जाता है कि आप कुछ हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे. तो ये है नोटिस राइटिंग, कैसे हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं. ऐसे अगर नोटिस आपको मिले तो आप इसे नोटिस राइटिंग के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं. And thank you for watching. So keep watching my videos and thank you. Bye bye.